हिमाचल में भेड़ों की नस्ल सुधार में रेम्बो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे भेड़ पालकों की आर्थिकी को पंख लग जाएंगे। पशुपालन विभाग के ज्यूरी स्थित भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ने कृत्रिम गर्भधारण से मेमने पैदा कराने में सफलता हासिल की है। हिमाचल में भेड़ों की नस्ल सुधार में रेम्बो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे भेड़ पालकों की आर्थिकी को भी पंख लग जाएंगे। पशुपालन विभाग के ज्यूरी स्थित भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ने कृत्रिम गर्भाधारण में मेमने पैदा करने में सफलता हासिल की है। ये प्रयोग हिमाचल प्रदेश में पहली बार ज्यूरी में सफल हुआ है। ज्यूरी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र में रेम्बुलेट के सीमन को रामपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले एप्टू भेड़ से गर्भधारण करवाया और 3 नवंबर को मेमना पैदा हुआ। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के दौरान विभाग ने इसे विकासात्मक प्रदर्शनी में भी रखा था और भेड़ पालकों को जागरूक किया जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के दौरान ही इस मेमने का अधिकारियों ने नामकरण कर रेम्बो नाम दिया। रेम्बुलेट और बुशहरी यानी रेम और बुशहरी से रेमो रखा गया। उल्लेखनीय है कि पशुपालन विभाग ने यूएसए के टेक्सास से 70 के दशक में रेम्बुलेट नस्ल के मेड़ों को लाया था। उसके बाद विभाग के भेड़ प्रजनन केंद्र में इसका विस्तार किया गया। मूल रूप से ये नस्ल फ्रांस की है और इस नस्ल के मेड़ 85 किलो से अधिक बचनी और एक समय में 3.5 किलो से अधिक निकलता है। बुशहरी नस्ल की भेड़ों में बीमारियों का प्रकोप कम रहता है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता रहती है। पशुपालन विभाग ने पहले ही नस्ल सुधार की प्रक्रिया शुरू कर रेम्बुलेट को F2 भेड़ तैयार किया है। इसी F2 भेड़ से प्रजनन करवाकर रेम्बो तैयार किया है। ज्यूरी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र के चिकित्सक डॉक्टर रविंदर ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान से पहला बच्चा ज्यूरी फार्म में आ गया है। आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा और इसका नामकरण कर नाम रेम्बो रखा है। ये हमारा पहला प्रशिक्षण था। उन्होंने बताया कि दूसरी तकनीकों का भी प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बकरी के कृत्रिम गर्भाधान का यूनिवर्सिटी काम कर रही है, लेकिन भेड़ में ये प्रयास ज्यूरी फार्म ने किया और सफल हुए। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभाग द्वारा भेड़ पालकों को दी जाने वाली सहायता की भी जानकारी दी। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पहली बार हमारा बच्चा है जिसका हमने नामकरण पिछले कल ही हमारे डीडी साहब आए थे, रेम्बो हमने उसका नाम रखा है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहली बार आया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें और ज़्यादा बच्चे हमारे पास, क्योंकि थोड़े से कंसेप्शन पे इसमें इतनी अच्छी कंसेप्शन हमारे पास नहीं आ रही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन इसमें आए। और पहली बार स्टेट में ज्यूरी फार्म में AI द्वारा हमारा बच्चा आया हुआ है।